हेलो दोस्तों, भांग को खाने के बाद इंसान बिल्कुल अपना शुद्ध बुद्ध खो देता है। अगर इंसान हंस रहा हो तो ऐसी स्थिति में वो हंसता ही रह जाता है, और अगर वो नाच रहा हो तो वो लंबे समय तक नाचता ही रह जाता है, और कोई काम कर रहा हो तो अपने अंदर उसे बहुत ही हाई फीलिंग महसूस होती है। तो आप सोच रहे होंगे कि भांग हमारे शरीर में जाकर ऐसा क्या करती है, शरीर के किस हिस्से को पकड़ती है, और इंसान भांग को खाने के बाद अपना शुद्ध बुद्ध क्यों खो देता है। तो चलिए इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि भांग में ऐसा क्या होता है और ये हमारे दिमाग के किस हिस्से को पकड़ती है। भांग को कैनेबिस के पौधे की पत्तियों या फिर बीज को पीसकर बनाया जाता है। भांग को लस्सी और ठंडे में मिलाकर भी पिया जाता है, और आजकल तो यूथ और यंगस्टर इसके चूर्ण फॉर्म को स्मोक के तौर पे भी पीते हैं। लेकिन जब इस पे रिसर्च की गई तो पता चला कि भांग में मेजर तीन तरह के केमिकल पाए जाते हैं। सबसे पहला है टेट्राहाइड्रोकैनाबिनॉल यानी कि THC, दूसरा है कैनाबिडियोल यानी कि CBD, तीसरा है इंडो कैनाबिनोइड यानी कि ECS। जैसे ही इंसान भांग खाता है तो धीरे धीरे ये तीनों ही केमिकल जो भांग में मौजूद होते हैं वो हमारे खून में घुलने लगते हैं और हमारे दिमाग पर असर करने लगते हैं। ये हमारे बॉडी के सिस्टम को कुछ इस तरीके से प्रभावित करते हैं कि हमें नींद आने लगती है या फिर हमारा मूड हाई हो जाता है, याददाश्त कम हो जाता है, अगर पहले से कोई दर्द या सूजन हो तो वो गायब हो जाती है, और चलने फिरने की क्षमता को कई गुना बढ़ा देता है। ये केमिकल आपके दिमाग में जाकर तनाव की स्थिति को भी बिल्कुल कम कर देता है, क्योंकि हमारे शरीर में इन सभी क्रियाओं को नियंत्रण करने के लिए पहले से ही अलग अलग प्रकार के केमिकल्स मौजूद होते हैं। और जब ये तीन एक्स्ट्रा केमिकल भांग के जरिए शरीर में जाती है तो ये एक्स्ट्रा हरकत करवानी स्टार्ट कर देती है। इसकी वजह से हमारा दिमाग डोपामिन हार्मोन ज्यादा मात्रा में सिक्रीट करना स्टार्ट कर देता है, और इससे हमारे शरीर में खुशी की लहर दौड़ जाती है। भांग में पाए जाने वाले ये केमिकल डायरेक्ट हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर भी अटैक करते हैं, जिसकी वजह से इंसान बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है या बहुत ही आलस महसूस करने लगता है। और ये केमिकल अगर ज्यादा मात्रा में हमारे खून में घुल जाए तो इसका असर कई दिनों तक भी रह सकता है। लंबे समय तक भांग का सेवन करने से हमारे शरीर में हार्मोनल इम्बैलेंस होने लगते हैं, और हार्मोनल इम्बैलेंस होने की वजह से पुरुषों में कई तरीके के बदलाव भी देखे जा सकते हैं। लंबे समय तक भांग का सेवन करने से पुरुषों में उनके स्किन को, बालों को और उनकी सेक्सुअल स्टेमिना को भी प्रभावित कर सकती है। वहीं महिलाओं में हार्मोनल इम्बैलेंस होने की वजह से PCOD, PCOS बहुत ही कॉमन समस्या हो जाती है। इसलिए पल भर का मजा पाने के लिए या अपने आप को ज्यादा हाई महसूस कराने के लिए कभी भी भांग का सेवन बिल्कुल ना करें, क्योंकि लंबे समय तक इसका सेवन करना आपके शरीर के लिए बेहद ही नुकसानदायक होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि भांग हमारे शरीर पर कैसे काम करता है इस वीडियो के जरिए आपको प्रॉपर और साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन मिली होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, और ऐसे ही हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन पे भी प्रेस कर लें।